हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेली गुरु पर स्वागत है, यानी कि बहुत बड़ा वाला स्वागत है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही जोरदार एकदम धमाके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग औसत से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस या फिर कह लीजिए सेट सॉरी सीटेट में किस पैटर्न पर किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है संख्याओं 5, 8, 12, 0, 15 का औसत बताओ। तो हम लोग इसके पहले में पढ़ चुके हैं क्या होता है औसत, सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या है उतना। तो हम लोग पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा। सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे, 5 + 8 + 12 + 0 + 15 और बटे कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया ठीक है। और कितना है, 8, 5, 13, 12, कितना 25, 25 + 15 40/5 कितना हो जाएगा, 40/5 तो बराबर ये हो गया 40/5, 5/40 आंसर हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताओ। 7 के प्रथम 9 गुणज, तो 7 के प्रथम 9 गुणज कौन है, कितने हैं, 7 × 7, 7 × 9 = 14, 7 × 1 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7/56 + 7/9 = 63, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रथम 9 गुणज ये हो गए और यानी टोटल 9। सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, सबको ऐड करेंगे आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 3, 6, 3, 9, 9, 6, 3, 9, 9, 18, 2, 20, 5, 25, 8, 33, 33, 5, 33, 1, 34, 39, तो लगभग हो जाएगा 5, 15, 31, 31, 31, 315/9 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 35 ठीक है। तो इस कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन डी सही है। 8 के पहले 5 गुणज का माध्य बताओ, सेम चीज वही करना है, 8 के पहले 5 गुणज, तो 8, 16, 24, 32, 40, तो 5 गुणज हो गए डिवाइड बाई 5 ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, तो सबको ऐड करेंगे, प्रथम 5 गुणज पूछा है तो कितना आ जाएगा, 8 के पहले 5 गुणजों का माध्य बताओ, तो कितना हो जाएगा इसका, सबको ऐड करेंगे, 120/5 आंसर हो जाएगा आपका 24। तो प्रथम 5 गुणज के माध्य कितना है, 24 है, देखिए बीच में 24 है भी, बीच में क्या है आपका, बीच में 24 है भी ठीक है। 23, 15 तथा एक्स का औसत 30 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है कि औसत दे दिया है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल योग, कुल योग बटे कुल संख्या, ये होता है। तो औसत कितना दे दिया है, 30 दिया हुआ है ठीक है, बराबर कितना कुल योग कितना है, 23, 15x, 23 + 15 + x ठीक है, 23, 15x और डिवाइड बाई कितना, 3 है, तो 5 × 3 = 8, 2 × 1 = 3, तो इधर जाएगा 90, तो हो जाएगा 90 = 38 + x, तो x बराबर 90 - 38, तो आंसर कितना हो जाएगा उस दशा में हमारा, 90 - 38 आंसर हो जाएगा 52, 52 ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही, बी ऑप्शन ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से 4 संख्याएं 35, 20, 22 तथा 15 की 15 है, पांचवी संख्या ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करना है, मान लेना है कि पांचवी संख्या x है, तो क्या करना है, हम लोग मान लेंगे 5वीं संख्या क्या है, बराबर x, तो सबको ऐड कर देंगे, तो 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 25 बराबर कितना, 35 + 20 + 22 + 15 + x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका टोटल, आपका टोटल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हो गई। फिर इधर करेंगे तो 25 + 125 आपका हो जाएगा, 125 बराबर कितना हो जाएगा आपका,
92 + x 125 बराबर कितना हो जाएगा? 125 नहीं, ये आपका हो जाएगा 35 + 20 + 22 + 15 + x, और ये हो जाएगा टोटली आपका इधर ऐड करेंगे 25 25 125, हाँ हो जाएगा आपका 92 + x 92 + x। आगे जब जाएगा इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 92 को इधर करेंगे तो x बराबर 125 - 92, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 में से 92 निकालेंगे तो आपका आएगा 33। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 33। तो उस दशा में आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, 5 संख्याओं का औसत 16 है, एक संख्या हटाने के बाद बची संख्याओं का औसत तो 17 हो जाता है, हटाई गई संख्या क्या है? 5 संख्याओं का औसत, तो 5 संख्या है औसत और कितना है 16 औसत है, 16 × 5 बराबर कितना हो गया 80 हो गया। ठीक, फिर एक संख्या हटा दी जाए तो कितना हो जाएगा, एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना हो जा रहा है 17 हो जा रहा है, तो 17 और एक संख्या हटाने पे यानी 4 × 17 = 68 कितना हो गया 68 हो गया। और पूछ रहा है कि हटाई गई संख्या क्या है, तो एक जो संख्या घटी है वही पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 80 में से 68 को माइनस कर देंगे तो हटी हुई संख्या आ जाएगी, 80 में से 68 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, 12 हो जाएगा। इस दशा में ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 22 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग ये शायद मैं करवा चुका हूं लेकिन फिर भी देखिए, 5 क्रमागत संख्या है, मान ली पहली संख्या एक्स है, फिर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, प्लस एक्स प्लस फोर। ठीक, ये 5 क्रमागत संख्याएं आपकी हो गई, और इनका दिया हुआ है डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और इनका औसत कितना दिया हुआ है, इनका औसत दिया हुआ है आपको 22, फिर सबको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5x प्लस कितना हो जाएगा आपका 5x + 10 बराबर आपका, ये उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा, और 5x बराबर 110 - 10, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, ये x बराबर कितना हो जाएगा 100/5 यानी कि 20, कितना हो जाएगा 20। तो ये x पहली संख्या है, पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 5 हम लोग 4 है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20 + 4 = 24, आपका आंसर कितना हो गया 24 हो गया, ये ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद धोनी की 5 पारियों का औसत 85 रन है, छठी पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत 90 रन हो जाए। बहुत इजी क्वेश्चन, देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। धोनी की 5 पारियों, तो 5 पारियों का स्कोर कितना हो जाएगा, 85 रन है, 5 पारियां हैं, तो कितना हो जाएगा 85 × 5, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा कितना, 85 × 5 करेंगे तो 5 5 25, 5 8 40, 425 हो जाएगा, 425 हो गया। फिर उसके बाद बोला गया है कितने रन बनाए कि औसत 90 हो जाए, पूछ रहा है कितने रन बनाए, तो 6 पारियों के उपरांत उसने रन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 5 पारियां बनाए 85 था, तो अगली पारी खेलेगा, 5 पारी में 85 रन बना, और बोला कितना रन बनाए, अगली पारी में तो कुछ रन बनाएगा ना नेक्स्ट पारी, तो 90 रन हो जाए, तो वो छठवीं पारी होगी, तो क्या होगा 90 × 6 कर देंगे उसको, तो 90 × 6 कर देंगे कितना जाएगा 540। ठीक, 540 हो गया। अब पूछ रहा है कि कितना रन बनाए, हमें करना क्या है, उस 540 में से 425 को घटा देना है, वही हमारा रन हो जाएगा, तो कितना हो गया 115, 115 रन बनाएगा तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, हर्षित घर से स्कूल 12 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है, एक हर्षित नाम का लड़का है, वो घर से 12 किलोमीटर प्रति चाल की जाता है, और ठीक है वापस आते समय उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर ऐसा कुछ है सेम डिस्टेंस है, और उसको पहली स्टार्टिंग की डिस्टेंस अलग है, बाद में डिस्टेंस, स्टार्टिंग की स्पीड अलग है, बाद की स्पीड अलग है, तो क्या करेंगे, एवरेज या फिर औसत चाल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर 2xy/(x+y) यानी कि जहां पे एक्स क्या प्रथम चाल, वाई द्वितीय चाल, तो 2 × पहले कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा गुड़े 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और डिवाइड बाई 12 + 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो
तो 12 10 22, तो ये कितना बाद में 24, 240 हो जाएगा, 240/22, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120/11, कितना हो गया, 120/11। और इसको हम लोग और लिख सकते हैं क्या, 10 सही 10/11, क्या किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर घंटा, 10 सही 10/11। तो देखिए कहाँ कहीं पे है 10 से 10/11, जी हाँ ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, 30 व्यक्तियों का औसत भार 15 किलोग्राम है, अन्य 15 व्यक्तियों का औसत भार 30 किलोग्राम है, कुल व्यक्तियों का औसत भार पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 30 व्यक्तियों का औसत भार, 30 व्यक्तियों का कुल भार कितना पूछा है, यहाँ पे निकालिए क्या, 30 व्यक्तियों का कुल औसत भार, तो 30 व्यक्तियों का निकालेंगे, तीस व्यक्तियों का कुल औसत भार निकालेंगे कितना हो जाएगा, वो 30 × 15, क्यों 15 दिया हुआ है, ठीक है तो 30 × 15 हो गया, तो 30 × 15 कर देती, हो गया हमारा 450, कितना हो गया 450 हो गया। फिर उसके बाद अन्य 15 व्यक्तियों का औसत भार, तो अन्य 15 व्यक्तियों का औसत भार 30 है, तो अन्य 15 व्यक्तियों का औसत भार कितना हो गया, 15 × 30 कर देंगे, ये भी 450, तो 15 × 30 = 450, ये भी हो गया, ठीक है। और पूछ रहा कुल, तो 15 30 15 45 हो गया, तो 3 30 15 कितना हो गया, 45 टोटल व्यक्ति हो गए, और टोटल यहाँ पे 450, 450 कितना हो गया, 900, कितना हो गया 900 हो गया। अब अभीष्ट औसत भार पूछ रहा है, तो हम करेंगे क्या, 900/45 कर देंगे, 900/45 कर देंगे, तो आपका आएगा 20, तो उस दशा में आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, और अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है, प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, तो कुछ नहीं करना है, हर एक सब्जेक्ट में उसने 75 मार्क्स लाया, ठीक, हर एक सब्जेक्ट में तो 75 75 मार्क्स ला रहा है, टोटल कितने सब्जेक्ट है, 5 विषय, तो 75 + 75 + 75 + 75 + 75, तो सबको ऐड करके, वैसे वैसे माध्य इसका क्या हो जाएगा, बीच का 75 होगा, लेकिन फार्मूला ऐड करेंगे तो सबको ऐड करने के बाद इतना हुआ 150, इतना हुआ 150, 150 300 और 375, 375/5 = 75, 5 × 5 = 35, 2 × 37, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। यदि प्रेक्षणों में x x+3 x+5 x+7 x+11 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, देखिए इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है सबको ऐड कर देंगे, x x+3 x+5 x+7 x+11 का माध्य कितना है, 9 है, तो माध्य पूछ रहा है और ये दिया हुआ है आपको 9, तो x x+3 x+5 x+7 x+11, तो x x+3 x+5 x+7 x+11 सबको ऐड किया गया, डिवाइड बाई कितना है, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाई 5 किया गया और बराबर कितना है, 9 है, ठीक है, तो कितना जाएगा, 5 3 8, 8 7 15, आई थिंक ये 10 होना चाहिए, ये होगा आपका 10, ठीक है तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, तो ये आपका इधर हो गया 5x+25 = कितना, 9 × 5, ये 5 इधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, 5x+25 = 45, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 5x = 45 में से 25 निकला 20, x = 4, x बराबर कितना हो गया, आपका x = 4 हो गया। अब ये x = जब 4 हो गया, तो अब टोटल, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो प्रेक्षण निकाले हैं इस दशा में, x वैल्यू रखिए कितना हो जाएगा, x = 4, 4, उसके बाद कॉमा 4+3, 4+3 कॉमा 4+5 कॉमा 4+7 कॉमा 4+10, ये हो गए, और उसके पूछा है अंतिम 3 प्रेक्षण, तो ये अंतिम 3 प्रेक्षण यानी कि 1 2 3,
तो 4 + 5 = 9 = 11 और 14, 9 11 14 का पूछ रहा है माध्य क्या होगा, यानी सबको ऐड कर देंगे, 9 + 11 + 14 / कितना, 3, टोटल नंबर ऑफ 3 है, ठीक है, तो ये कर दिया जाएगा, तो 11 9 20 14 34/3, 34/3 यानी हो जाएगा आपका, इसको निकाल सकते हैं 34/3, और 34/3 को आप लिख सकते हैं 11 सही 1/3, तो 11 सही 1/3 कौन सा है, ऑप्शन सी इसका सही, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, ठीक। उसके बाद पूछा है किसी 5 सदस्य वाले परिवार की आयु 20 वर्ष है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी, कितना, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 5 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष, 5 सदस्य वाले परिवार की कुल आयु, तो कुल निकालने के लिए देखिए हमें पता है, हमें क्या पता है भैया कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक, तो औसत कितना दिया हुआ है, तो हमें यहां से क्या निकालना है, कुल आयु निकालनी है, तो कुल आयु क्या हो जाएगी, कुल आयु बराबर औसत में कुल संख्या से ऐड कर देंगे, औसत कितना है 20 है, सदस्य कितने हैं 5 हैं, बराबर 100 हो गई, ठीक है, यहां से कितनी हो गई, 100 हो गई, छोटे सदस्य के पैदा होने के समय परिवार की कुल आयु कितनी थी, तो छोटे सदस्य के पैदा होने के समय परिवार की कुल आयु कितना, 100, टोटल 100 है, 100 में से हम लोग 5 × 10 निकाल देंगे, और छोटा सदस्य कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है, तो क्या हो जाएगा, छोटे सदस्य के पैदा होते समय आयु बराबर 100 माइनस कितना हो जाएगा, 5 × 10, क्यों 5 किया गया है, टोटल संख्या 5 है, 10 कितना है, 10 वर्ष का इंसान है, 10 × 5 = 50, इसका 100 में से 50 निकलेगा, 50 हो जाएगा इसका, ठीक है, 50 हो जाएगा, ये अभी निकल गया, छोटे सदस्य के पैदा होते समय परिवार की औसत आयु, और ये परिवार की कुल आयु थी, अब परिवार की औसत आयु निकलेगा, तो औसत निकालने के लिए कितना हो जाएगा, हम लोग 50 निकल गया है, क्योंकि वो छोटा सा उसके काउंट किया नहीं जाएगा, उस छोटे वाले बंदे को जो भी दुनिया में है, तो उस तब संख्या घट जाएगी, 4 हो जाएगी, तो 50/4 यानी कितना आंसर हमारा हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 12 × 48 यानी 12 वर्ष 6 महीने, तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष, सी पार्ट, 12 वर्ष 6 महीने। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान ज्ञात कीजिए, यदि प्रथम n तो दे दिया है, क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे, तो दे चुका है n+1/2 = 15, ठीक, n+1/2 = 15, तो सॉल्व करेंगे तो n+1 = 30, n = 29, कैसे, n = 30 में से 1, n = 29, तो आंसर हमारा कौन सा, डी पार्ट है, ठीक है। अगला, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 का माध्य क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, सबको 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 सबको ऐड करके डिवाइड बाय 10 संख्या है, 10 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा कितना, ये ऊपर ऐड करेंगे तो 110 होगा, 110/10 = 11, ठीक है, तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। अगला, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो 7 क्रमिक संख्याएं, तो हम लोग जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे 5 क्रमिक, उसके अभी x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, x+7, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं रहेगा, x+6 था, ठीक है, ऐड कर देंगे 26 कर देंगे, और औसत कितना है इसका, औसत 20 है इसका, ठीक है, तो इसको जब सबको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 7,
7x प्लस 21 बराबर के साथ है, 7 इंटू 20 ऐड करेंगे, 7x बराबर कितना आ जाएगा, 7x प्लस 21 बराबर 140, 7x बराबर 140 माइनस 21, 7x बराबर 140 में से 21 निकलेगा, आंसर कितना आएगा 119, x बराबर 119 बटे 7, ठीक है, तो 77 119, आंसर हमारा आ जाएगा 17। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, कहाँ गया, और 17 नहीं, आंसर 17 नहीं होगा, x की वैल्यू 17 आ गई। अब पूछ ला सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 है, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 17 प्लस 6 बराबर 23, 23 आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए कहीं 23 है, जी हाँ बिल्कुल ठीक। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, एक परीक्षा में चार विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं, यदि तीन विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में कितने आए अंक। तो चार विषय में अंक है, तो चार विषय का पूछ रहा है, तो चार सब्जेक्ट का, चार विषय के लिए कितना 200, ठीक, फिर उसके बाद तीन विषय के औसत अंक हैं, तीन विषय के औसत अंक, औसत कितने हैं 48, और कुल अंक निकालना होगा, इसके कुल अंक कितने, तीन विषय के कुल अंक निकलेंगे, तीन विषय के कुल अंक 3 × 48 बराबर कितना हो जाएगा 144, ठीक। अब पूछ रहा है चौथे विषय के अंक, तो चौथे विषय के अंक क्या करेंगे, 144 माइनस कितना 48, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 56, ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। फिर देखिए, पांच संख्याओं का माध्य 26 है, यदि एक संख्या निकाल दो तो जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है, निकाली गई संख्या, बहुत इजी, पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया वैसा इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, पांच संख्याओं का माध्य 5 × क्या निकालेंगे हम लोग, 26 कर देंगे, 5 × 26 बराबर 130, ठीक है, फिर उसके एक संख्या निकाल दी जा रही है तो माध्य कितना जा रहा है 24 जा रहा है, तो चार संख्या जगह निकालने के बाद 24 कितना जाएगा 96, 130 में से 96 को निकालेंगे कितना आंसर हमारा आ जाएगा, 130 में से 96 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा आंसर 34, डी पार्ट हो जाएगा। 16, 13, 15, 11, एक्स 8 और 7 का औसत 12 है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर देना है, 16 + 13 + 15 + 11 + x + 8 + 7 डिवाइड बाई कितना, टोटल कितना है 7 है, तो करें, और इसका एवरेज कितना है 12 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटली सबको ऐड करेंगे फाइनली तो आपका हो जाएगा x प्लस 70 बराबर 12, तो x बराबर 12 × 7, ठीक है, तो x प्लस 70 बराबर 12 × 7, x बराबर 12 × 84 माइनस 70, x बराबर 84 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा 14, आंसर हमारा कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अभी भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज।